बस भी कर दो यार। हाँ, पता नहीं शाम कब होगी, वक्त कट ही नहीं रहा। आई मिस यू फारिया। मतलब घर जाने की क्या जरूरत है इतनी सुबह सुबह? जाके नैप ले लो, शाम को जब उठोगे तो आ जाना मुझे लेने के लिए। नहीं यार, मेरे सोने का दिल नहीं चाह रहा। बस मैंने सोच लिया कि मैं अभी तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा हूँ। अरे अरे, माँ बाप और डैड क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे वो? हाँ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उनसे डरता हूँ अब? अच्छा चलो, उनसे नहीं डरते तो अपनी दी से तो डरते हो ना। माने देंगी इतनी जल्दी? हाँ फारिया, कम ऑन यार, अब क्या लगता है कि मैं उनसे पूछ के आऊंगा? क्या तुम उन्हें लेकर नहीं आओगे? नहीं, अकेले तो नहीं आऊंगा, मोना और अनुमान भी आएंगे साथ। अच्छी बात है वैसे, डैड और मामा काफी अपसेट हैं इनकी वजह से। जानता हूँ, सॉरी यार, मुझे भी बहुत बुरा लगा। बल्कि मैं सोच रहा था कि जैसे मैं तुम्हारे घर आऊंगा तुम्हें पिक करने के लिए, तो उनसे एक्सक्यूज कर लूंगा। वैसे एक बात पूछूं, वो अभी ऐसी हुई है या हमेशा से ऐसी थी? पता नहीं यार, मैंने मैंने कभी गौर नहीं किया। लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ कि कुछ ज्यादा ही उनका मिजाज नेगेटिव होता जा रहा है। कुछ नेगेटिव नहीं, वो पूरी की पूरी नेगेटिव हो चुकी है। हाँ, तुम बहन भाई इस बात के आगे आंखें बंद कर लो तो वो एक अलग बात। कम ऑन फारिया, प्लीज छोड़ो ना इन सारी बातों को। मैंने तुम्हें इसलिए फोन नहीं किया कि हम दी के बारे में बातें करें। तुम समझदार हो, तुम जानती हो कि मैंने तुम्हें क्यों फोन किया। जी अम्मा, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आजिर भी बिल्कुल ठीक है। और आयमा बेटी कैसी है? आयमा बाजी भी बिल्कुल ठीक है, बस शादी की मसरूफियात में सब इतना थक गए हैं ना। आयमा तो बहुत खुशकिस्मत है भाई, अब दो दो बहुओं से खिदमतें कराएगी। कैसी बातें कर रही हैं आप अम्मा, आप ही तो कहती थी घर की सारी जिम्मेदारी बहुओं पर ही होती है। अरे नहीं नहीं मेरा वो मतलब थोड़ी था, मैं तो उसकी किस्मत पे रश कर रही हूँ। बल्कि और फिर आयमा कौन सा सारी जिंदगी इस घर में बैठी रहेगी, उसके भी तो रिश्ते की बात चल रही है ना। बस अम्मा अल्लाह खैर करे। अच्छा, आपकी सलीम भाई के घर वालों से कोई बात हुई? अरे मैंने तुम्हें यही बताने के लिए तो फोन किया था, मगर हमारी बातें भी ना कहां से चली और कहां पहुंच गई। मैं सलीम भाई के घर गई थी, मगर उनके घर ताला लगा हुआ है, लाहौर गए हुए हैं वो। ठीक है अम्मा, अब देखें क्या होता है। बस अल्लाह करे कि हमारे अंदेशे गलत हो। आयमा बेटी का मिजाज थोड़ा मुख्तलिफ है, मगर है तो वो किसी की बेटी ना। अल्लाह करे कि उसका जल्दी से घर बस जाए, खुश रहे वो अपने घर। जी अम्मा, हम भी बस यही चाहते हैं उनके लिए। अच्छा बेटा, मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।